बेमेतरा विधानसभा क्षेत्र के ग्राम मटका में मुख्यमंत्री सुगम सड़क योजना के अंतर्गत 20 लाख की लागत से निर्माणाधीन सड़क के घटिया निर्माण से ग्रामीणों में खासी नाराजगी है। आलम यह है कि निर्माण पूर्ण होने के पूर्व ही सड़क उखड़ने लगी है। अब तक करीब 100 मीटर सड़क का निर्माण हुआ है। इस संबंध ग्रामीणों से शिकायत मिलने पर किसान नेता योगेश तिवारी ग्राम मटका पहुंचकर निर्माणाधीन सड़क का जायजा लिए, जहां ग्रामीणों की शिकायत सही मिली। ठेकेदार के द्वारा मापदंडों को ताक पर रखकर सड़क का निर्माण किया जा रहा है। घटिया निर्माण के कारण आवागमन शुरू होने के पहले ही सड़क उखड़ने लगी है। पंचायत में रोड बन रहा है, विधायक के रिश्तेदार लोग ठेकेदार ठेका लिए हुए हैं। यहाँ इतनी घटिया क्वालिटी का रोड बन रहा है, गांव वाले मेरे बुलाए कि बोले ये तो रोड धसक जा रहा है, और जहाँ 4 मीटर का रोड बनाना चाहिए वहाँ 3.5 मीटर का रोड बन रहा है, आधा मीटर की चौड़ाई कम है, और एकदम ही इतनी क्वालिटी है कि जगह जगह से ऐसे पैर से लोग गाँव वाले मार रहे हैं। 5 दिन पुराना रोड बना हुआ है और रोड टूट जा रहा है, तो ऐसी घटिया क्वालिटी की रोड बनाया जा रहा है। इसके खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर आज पूरे गांव वाले मुझे बुलाए थे और मैं खुद चेक करने आया हूं। यही दशा रहेगा तो सब गांव वालों को लेकर हम लोग कलेक्टर से मिलेंगे, शिकायत करेंगे ठेकेदार के खिलाफ। कितने मीटर का रोड सेंक्शन हुआ तो बता रहे हैं? 4 मीटर का सेंक्शन हुआ, 3.5 मीटर का रोड बना है। कभी बोला जा रहा है कि बिजली का पोल आ गया है, कभी बोला जा रहा है कोई छोड़ने बोल रहे, तो किसी छोड़ने, सरकारी जमीन है, किसी छोड़ने थोड़ी छोड़ दोगे। जब तुम टेंडर 4 मीटर रोड का लिए हो तो 4 मीटर चौड़ा बनना चाहिए रोड, 3.5 मीटर बनाओगे तो आधा मीटर का पैसा कौन किसके पास जेब में जाएगा? ये सब की जांच होनी चाहिए, इसके लिए आज हम लोग आए हुए। किसान नेता योगेश तिवारी ने बताया कि निर्माणाधीन सड़क का निरीक्षण करने पर ठेकेदार व विभाग के अधिकारियों की सांठगांठ की पोल खुल गई। घटिया निर्माण पर अधिकारियों की चुप्पी से उनकी कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो रहे हैं। ग्रामीणों की लगातार शिकायत के बावजूद अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे हैं। सड़क पर हल्का सा दबाव बनाने पर सीमेंटीकरण टूटने लगा है।